हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले एक्सरसाइज 13.1 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री एक्स प्लस थ्री। तो लीनियर पॉलीनोमियल है, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें, एक्स की जगह थ्री पुट कीजिए, थ्री प्लस थ्री। क्या आंसर आया इसका? सिक्स। सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है आपका, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई एक्स माइनस 22 बाय 7। तो एक्स की जगह आप क्या रखिए? पाई रखिए, पाई माइनस 22 बाय 7। सिंपल क्वेश्चन है आपके। थर्ड वन इज लिमिट आर अप्रोचेस टू 1 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें आर की जगह क्या वैल्यू पुट करने वाले हैं? आर की वैल्यू 1, पाई 1 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर 1 होता है, तो आंसर क्या होगा? पाई। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फोर एक्स प्लस थ्री डिवाइड बाय एक्स माइनस टू। डिनोमिनेटर भी है इसमें आपको गिवन। चलो कोई बात नहीं, करते हैं इस क्वेश्चन को। 4 इंटू 4 प्लस 3, 4 माइनस 2। यहां पे x से आपने कहां रखा? 4 रख दिया। तो कितना आएगा? 4 इंटू 4 16 प्लस 3 19 एंड 4 माइनस 2 2। तो डिफाइंड है दोनों, तो इसलिए ये आंसर क्या है? 19 बाय 2। हमें सिर्फ ये देखना है जिसमें न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर गिवन हो कि 0 बाय 0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज जो भी होगा डिफाइंड है तो आपका वही आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस 1 एक्स पावर 10 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1। वैल्यू पुट कीजिए, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? माइनस 1 की पावर 10 प्लस माइनस 1 की पावर 5 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 1 माइनस 1। माइनस 1 की पावर 10 प्लस 1, नेगेटिव की इवन पावर है तो पॉजिटिव होगा। माइनस 1 की पावर 5 है, ओड पावर है, तो माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, ये कैंसिल आउट। आंसर कितना आया? माइनस 1 बाय 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन में एक्स। अब इसमें वैल्यू पुट करके देखिए क्या होगा आपका। 0 प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 0, तो क्या होगा? 1 माइनस 1 अपॉन 0 किस फॉर्म में आ गया? 0 बाय 0। अब 0 बाय 0 तो आपकी क्या थी? इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो ये तो कोई आंसर नहीं हुआ इसका। तो अब क्या करें? हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, x प्लस 1 को क्या पुट कर लेते हैं? पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू y। सॉरी, 1 को उस साइड ले जाइए, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? y माइनस 1। ओके, हम x प्लस 1 की जगह क्या y पुट करेंगे? y, और x की जगह क्या पुट करेंगे? y माइनस 1। क्लियर? लेकिन लिमिट तो x में गिवन है, तो हमें यहां लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। क्या होगी? जब x की वैल्यू 0 होगी, व्हेन x इज इक्वल टू 0, पुट कीजिए कोई सी भी इक्वेशन में, तो क्या होगा? 0 इज इक्वल टू y माइनस 1, और y क्या होगी? 1। और हम कह सकते हैं कि व्हेन x अप्रोचेस टू 0, y अप्रोचेस टू 1। कीजिए वैल्यू पुट,
limit y approaches to 1, x plus 1 की जगह क्या रखें y, तो y 5 हो जाएगा minus x की जगह क्या आएगा y minus 1. अभी मैंने लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला आपको कराया था, सबसे लास्ट में करवाया था. क्या फॉर्मूला आपका था कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a किसके इक्वल होता है n a n माइनस 1. अब देखिए ये टर्म लगभग वैसे ही है, n की जगह क्या आ गया यहां पे, नहीं x की जगह y है, n की जगह क्या है 5 है और a की जगह क्या है 1. आप कहेंगे यहां तो a की पावर n है, तो हम इसे 1 को क्या लिख सकते हैं 1 की पावर 5 बन गया x n माइनस a की पावर n x माइनस a, तो किसके इक्वल हो जाएगा n a n माइनस 1. n क्या है 5, a 5 माइनस 1, 5, 1 की पावर 4 क्या होगा 1, 5 इंटू 1 क्या आंसर आएगा इसका 5. तो ये पहला क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का जिसमें हमें थोड़ा चेंज करना पड़ा, अदरवाइज जो पहले 5 क्वेश्चन थे वो तो बिल्कुल सिंपल थे, डायरेक्ट मेथड से हो रहे थे क्वेश्चन. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. सेवेंथ क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 4. वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा x की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10 2 का स्क्वायर माइनस 4 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 12 माइनस 10 2 12 4 माइनस 4 ये तो क्या आ गया 0 बाई 0 फॉर्म आ गया, इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा इस फॉर्म में, इसको इसका आंसर नहीं निकलेगा. तो क्या करें, देखिए ऊपर वाली जो इक्वेशन है हम उसके फैक्टर्स बना सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 बनाइए फैक्टर्स, 10 इंटू 3 30 के इक्वल करने हैं और मल्टीप्लाई 30 के इक्वल आनी चाहिए माइनस, और फैक्टर्स होने चाहिए माइनस x के इक्वल. क्या होंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10. इन दोनों में क्या चीज कॉमन है 3x x माइनस 2, इनमें 5x माइनस 2, तो अगेन x माइनस 2 कॉमन, दोनों में क्या बचा 3x प्लस में 5. ओके तो हम इस की जगह क्या लिख सकते हैं फैक्टर्स जो बनाए हैं x माइनस 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 3x प्लस 5. ओके जो न्यूमरेटर था उसके हमने फैक्टर्स बना दिए, अब डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाइए, इजी है x माइनस 2 होगा और x प्लस 2 ये दोनों कैंसल आउट. अब वैल्यू पुट कीजिए x की जगह 3 इंटू क्या पुट करेंगे 2 प्लस 5 2 प्लस 2 6 प्लस 5 अपॉन में 4 क्या आंसर आया आपका 11 बाय 4. तो इस क्वेश्चन का आंसर है 11 बाय 4.
Question number 8. Limit x approaches to 3, x4 minus 81 divided by 2x square minus 5x minus 3. इसमें वैल्यू पुट कीजिए 3 की पावर 4 माइनस 81 2 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3 ये कितना आएगा 81 माइनस 81 9 इंटू 2 18 माइनस 15 माइनस 3 81 माइनस 81 0 18 माइनस 15 3 माइनस 3 0 किस फॉर्म में आया 0 डिवाइड बाय 0 और ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो हमें चेंज करना पड़ेगा तो चलिए इसके फैक्टर्स बनाते हैं सबसे पहले x 4 माइनस 81 इसके फैक्टर्स क्या होंगे x स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b a स्क्वायर प्लस b लेकिन यहां तो अगेन फॉर्मूला लग रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्योंकि 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर तो फैक्टर्स हो जाएंगे आपके x माइनस 3 एंड x प्लस 3 चलिए ऊपर वाले के तो फैक्टर्स आपके पास आ चुके हैं x माइनस 3 x प्लस 3 एंड x स्क्वायर प्लस में 9. अब क्या है नीचे वाले टर्म इसके फैक्टर्स बनाइए 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे हम क्या होगा माइनस 6 मल्टीप्लाई माइनस 6 और सम कितना आना चाहिए माइनस 5 क्या बनाए इसका 2x स्क्वायर माइनस 2x सॉरी 6x प्लस x माइनस 3 कॉमन क्या होगा इसमें 2x होगा कॉमन यहां से x बचा है यहां से माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 11th क्लास में फैक्टर्स तो सभी को उम्मीद है आते ही होंगे x माइनस 3 2x प्लस 1 ये आपके फैक्टर्स हैं इन्हें सेपरेट रखिए x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल आउट x इज इक्वल टू 3 रखिए अब इक्वेशन में 3 प्लस 3 3 स्क्वायर प्लस 9 2 इंटू 3 प्लस 1 3 प्लस 3 6 इंटू 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 18 बाय 7 7 कैसे 2 3 6 प्लस 1 7 108 बाय 7 क्या आंसर आया इस क्वेश्चन का 108 डिवाइड बाय 7 क्वेश्चन नंबर 9 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी ये क्वेश्चन है 0 पुट करेंगे x की जगह a इंटू 0 प्लस बी सी इंटू 0 प्लस डी तो क्या आंसर रहेगा b बाय डी ये तो 0 हो जाएगा तो आंसर बचा बी बाय डी क्वेश्चन नंबर 10 लिमिट जेड अप्रोचेस टू 1 जेड की 1 बाय 3 माइनस 1 डिवाइड बाय जेड की 1 बाय 6 माइनस 1 देखिए 1 रखें 1 माइनस 1 ऊपर 0 नीचे भी 1 माइनस 1 0 तो क्या करें देख के कोई आइडिया आ रहा है आपके दिमाग में
सोचिए किस फॉर्म में बना सकते हैं, जेड की 1 बाय 3 है, मैं 1 को भी 1 बाय 3 लिख सकता हूं, 1 की पावर 1 बाय 3। ऐसे ही नीचे जेड की 1 बाय 6 माइनस 1 की 1 बाय 6, ये लिख तो दिया। अब आप कहेंगे कि इससे बना क्या, बात क्या बनी, तो देखते हैं क्या बनेगा इससे। अभी लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में हमने एक फॉर्मूला किया था, उसका यूज करूंगा मैं, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। अब इसमें एक्स माइनस ए नहीं है तो उसे हम अपने पास से लगाएंगे, जेड की पावर 1 बाय 3 माइनस 1 की पावर 1 बाय 3, इसके डिवाइड में क्या चाहिए मुझे, जेड माइनस 1। ओके, जेड की पावर 1 बाय 6 माइनस 1 की पावर 1 बाय 6, इसके डिवाइड में भी क्या चाहिए, जेड माइनस 1। देखिए जेड माइनस 1 से जेड माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो वही इक्वेशन आ जाएगी जो आपकी स्टार्टिंग में थी। इसकी लिमिट अलग है और इसकी लिमिट हम अलग लेंगे, लिमिट जेड 1 बाय 3 अपॉन जेड माइनस 1 डिवाइड बाय लिमिट जेड की पावर 1 बाय 6 माइनस 1 की पावर 1 बाय 6 डिवाइड बाय जेड माइनस 1। फॉर्मूला क्या था, एन ए इंटू एन माइनस 1, एन क्या है यहां पे, एन क्या है, एन है 1 बाय 3, एन होती है पावर, पावर क्या है 1 बाय 3, ए क्या है, ये चीज जो आपका वेरिएबल में से माइनस कर रहे हैं, तो ए की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाय 1 बाय 6 1 बाय, ओके 1 बाय 3, ये तो 1 ही रहेगा, 1 की कोई भी पावर हो 1 ही रहता है, नीचे भी 1 रहेगा, क्या आया 1 बाय 3 डिवाइड बाय 1 बाय 6, तो 1 बाय 3 मल्टी 6 ऊपर जाएगा, इसके इक्वल आएगा जो आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए, वैल्यू पुट कीजिए, 1 पुट किया 1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 सी, 1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 प्लस सी, तो क्या होगा, ए इंटू 1 ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय सी प्लस बी प्लस ए, ये तो सेम टर्म है जो नीचे है वही ऊपर है, तो आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 12, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 बाय x प्लस सॉरी x अप्रोचेस टू माइनस 2 1 बाय 2 x प्लस 2। अच्छा यहां माइनस 2 रखें तो क्या हो जाएगा, 1 बाय माइनस 2 प्लस में 1 बाय 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय 2 हो जाएगा प्लस 1 बाय 2, नीचे भी माइनस 2 प्लस 2 जीरो बाय जीरो फोर, और ये वाली कौन सी है आपकी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो इसे कंसीडर नहीं करना, तो अब क्या करें, हम ले लेते हैं इसका एलसीएम, क्या आएगा 2x 2 प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस 2, ये इधर आ जाएगा एक्स प्लस 2 टू एक्स एक्स प्लस 2 कैंसल आउट, 1 बाय 2 एक्स की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं माइनस 2,
कितना हुआ माइनस वन बाय फोर अब है क्वेश्चन नंबर 13। पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन ए एक्स डिवाइड बाय बी एक्स। ओके, तो कैसे करें इसे? देखिए हमारा जो फॉर्मूला है क्या है, कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन x डिवाइड बाय x इज इक्वल टू वन। तो जो x यहां पे है वही x यहां पे है आपका, लेकिन इसमें x के साथ क्या है, कोफिशियंट a है, तो इसमें कोफिशियंट हमें a बनाना पड़ेगा साइन a x डिवाइड बाय x के साथ क्या चाहिए आपको, a चाहिए। ए से आपने यहां मल्टीप्लाई किया और ए से आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ए से ए कैंसिल आउट, वही इक्वेशन आ जाएगी। साथ में एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, गिवन है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स विल आल्सो बी अप्रोचेस टू जीरो। एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है तो एक्स मल्टीप्लाई इट इज आल्सो अप्रोचेस टू जीरो। तो हम यहां पुट कर सकते हैं लिमिट ए एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन ए एक्स डिवाइड बाय ए एक्स, और जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है उन्हें साइड में लिखिए ए डिवाइड बाय बी। तो ये किसके कुल आ गया, दिस इज इक्वल टू वन, वन मल्टीप्लाई ए बाय बी इज इक्वल टू ए बाय बी। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। अब है क्वेश्चन नंबर 14। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन ए एक्स डिवाइड बाय साइन बी एक्स। तो करिए इस क्वेश्चन में वही करना पड़ेगा आपको, साइन ए एक्स डिवाइड बाय एक्स साइन बी एक्स डिवाइड बाय एक्स, एक्स एक्स कैंसिल आउट होके वही इक्वेशन बचेगी। साथ में आपको यहां क्या चाहिए, ए चाहिए, तो इसे ए से यहां मल्टीप्लाई कीजिए, साथ में इधर भी इसे बी से मल्टीप्लाई कीजिए, इसे भी बी से मल्टीप्लाई कीजिए। फर्दर हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को अलग कर सकते हैं, नीचे वाले पोर्शन को अलग, आइडेंटिटी है आपके पास ही पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की। अब हमारा यहां साइन ए एक्स है डिवाइड बाय एक्स, यहां पे है एक्स, तो इसे भी चेंज कीजिए। हमें पता है कि जब एक्स अप्रोचेस टू जीरो तो ए एक्स भी अप्रोचेस टू जीरो एंड बी एक्स विल ऑल्सो बी अप्रोचेस टू जीरो। तो दोनों इक्वेशंस में वैल्यू पुट चेंज करेंगे हम, लिमिट ए एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन ए एक्स डिवाइड बाय ए एक्स, लिमिट बी एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन बी एक्स डिवाइड बाय बी एक्स, और यहां पे क्या आएगा मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। तो ये क्या आया आपका, दिस इज इक्वल टू वन मल्टीप्लाई ए, इसमें भी ये क्या होगा वन मल्टीप्लाई बी, तो क्या होगा ए बाय बी, आंसर क्या है ए बाय बी।
limit x approaches to pi sine pi minus x divided by pi minus x. अब क्या करें, हम पुट कर लेते हैं पाई माइनस एक्स को, वाई, ओके, यहां भी साइन वाई हो जाएगा और यहां पे भी साइन वाई. लिमिट में क्या चेंज आएगा, व्हेन एक्स अप्रोचेस टू पाई, तो वाई किसके अप्रोचेस टू होगा, पाई माइनस पाई, और वी कैन से पाई अप्रोचेस टू जीरो. तो पाई अप्रोचेस टू जीरो, देखिए जब एक्स अप्रोचेस टू पाई है और हमने ये सब्स्टिट्यूशन यूज किया तो वाई टेंड्स टू जीरो. यहां पे क्या आएगा, साइन वाई डिवाइड बाय ये कितना होगा, पाई इंटू वाई, और ये किसके इक्वल है, वन के इक्वल है, तो वन अपॉन में पाई. आंसर क्या है आपका, वन अपॉन पाई. क्वेश्चन नंबर 16, लिमिट पाई माइनस सॉरी एक्स माइनस जीरो कोस एक्स अपॉन में पाई माइनस एक्स कीजिए. इसे तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, क्या आएगा, कोस जीरो अपॉन में पाई माइनस जीरो, कोस जीरो कितना होता है, वन अपॉन में पाई. तो इसका आंसर भी कितना आया आपके पास, वन अपॉन में पाई. क्वेश्चन नंबर 17, देखिए इसमें यदि हम वैल्यू पुट करें क्या रहेगा, कोस जीरो वन होता है, वन माइनस वन, कोस जीरो वन, वन माइनस वन, दिस इज जीरो बाय जीरो. तो ऐसे तो सोल्व ही होगा इसे, तो हम इसका फॉर्मूला पुट करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो. क्या फॉर्मूला होता है इसका, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन. देखिए कोस टू एक्स आपने पढ़ा होगा डबल एंगल फॉर्मूला में, वन माइनस कोस टू एक्स के तीन चार फॉर्मूले होते हैं जिसमें से एक फॉर्मूला ये है. ओके अच्छा, यहां कोस टू एक्स की जगह अब क्या आ गया, एंगल एक्स हो गया, तो जब यहां हाफ हो गया तो एंगल यहां पे भी हाफ हो जाएगा. क्लियर, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस वन, वन से वन कैंसल आउट, इस वन से भी ये कैंसल आउट. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो टू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, टू से क्या हमारा टू कैंसिल आउट, ये माइनस के साइन थे, ये भी आपके कैंसिल आउट होंगे, ये माइनस के साइन थे. हम क्या लिख सकते हैं आगे, इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर. ओके, इसके दो मेथड हैं करने के, एक तो वही है साइन एक्स बाय एक्स कीजिए और वैल्यू आपके पास आ जाएगी, दूसरा क्या है, चलो मैं दूसरा मेथड भी आपको बता देता हूं. साइन टू एक्स का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, साइन टू एक्स, टू साइन एक्स कोस एक्स के इक्वल. अब यहां 2x की जगह क्या चीज है, यहां पे साइन एक्स है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएंगे,
हाफ हो जाएंगे 2 साइन एक्स बाय 2 और कोस एक्स बाय 2। डिवाइड बाय साइन एक्स बाय 2 सारे का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट। एक्स अप्रोचेस टू 0 आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए 2 का स्क्वायर 2 इंटू कोस 0 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, कोस 0 कितना होता है 1, 4 इंटू 1 कितना आंसर आया आपके पास 4। क्वेश्चन नंबर 18। ए एक्स प्लस एक्स कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब देखिए कैसे होगा, ये तो जीरो हो जाएगा डायरेक्ट पुट करें, यहां जीरो की मल्टीप्लाई होगी तो ये भी जीरो और साइन जीरो भी जीरो, तो ये तो जीरो बाय जीरो फॉर्म बनने वाली है। तो हम क्या करें, इसे क्या कर सकते हैं, देखिए एक्स से ऊपर डिवाइड कीजिए पूरी इक्वेशन को, और एक्स से ही नीचे डिवाइड कर दीजिए। क्लियर, ऊपर नीचे दोनों को एक्स से डिवाइड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहां क्या बचेगा ए प्लस कोस एक्स। अच्छा डिवाइड में यहां पे भी लिमिट अलग लेते हैं हम, बी साइन एक्स बाय एक्स, चलो बी को उस साइड रखिए। ये क्या हो गया आपका 1 आ गया, एक्स 0 रखें पुट यहां पे, ए प्लस कोस 0 डिवाइड बाय 1 इंटू में बी। क्लियर, यहां ए है, यहां एक्स की जगह आपने क्या रखा 0 रखा, तो क्या बन जाएगा कोस 0, ये तो सारा आपका फॉर्मूला है 1 हो गया इंटू में बी। ए प्लस कोस 0 कितना 1 डिवाइड बाय, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये। अब है 19th क्वेश्चन। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स सेकेंट एक्स, ओके एक्स की वैल्यू 0 इंटू में सेकेंट 0, वैल्यू पुट कर दी है तो लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड जीरो किसके कुल होता है 1 के, 1 इंटू 0 कितना आंसर आएगा 0, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 20। साइन ए एक्स प्लस बी एक्स डिवाइड बाय ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। अब ये कैसे होगा, क्या कर सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 18 में किया था सेम करना है।
x से ऊपर डिवाइड कर दीजिए आप, साइन ए एक्स डिवाइड बाय एक्स बी एक्स डिवाइड बाय एक्स, ए एक्स डिवाइड बाय एक्स, जैसे ऊपर डिवाइड किया वैसे ही नीचे डिवाइड कीजिए। ओके, और क्या कर सकते हैं, देखिए ए एक्स के नीचे मुझे ए एक्स चाहिए, ए से इसे मल्टीप्लाई करो और ए से यहां साइन बी एक्स के डिवाइड में भी बी एक्स होना चाहिए, बी से इसे मल्टीप्लाई किया और बी से यहां कर दो, ये एक्स कैंसल आउट हो जाएंगे। फर्दर यहां ए एक्स है और यहां पे एक्स है, तो व्हेन एक्स अप्रोचेस टू जीरो तो ए एक्स भी क्या होगा, जीरो होगा, ये आपने जीरो की मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो क्या होने वाला है, जीरो ही रहेगा। ऐसे ही बी एक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो मल्टीप्लाई में भी जीरो। तो चेंज कीजिए लिमिट, लिमिट ए एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ऊपर क्या है ए साइन ए एक्स डिवाइड बाय ए एक्स प्लस में बी, लिमिट बी एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए प्लस बी इंटू साइन बी एक्स अपॉन में बी एक्स। ये क्या है, ये तो ए ही रहेगा, साइन ए एक्स वाई एक्स लिमिट ले रहे हैं ए एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इट मीन्स इट इज इक्वल टू वन प्लस में बी, यहां भी ए आएगा और दिस इज ऑल्सो, ये आपका b रहेगा मल्टीप्लाई में और ये सारा जब लिमिट लेंगे तो किसके इक्वल, वन, a इंटू वन ए प्लस बी डिवाइड बाय a प्लस बी, और a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल आउट, क्या आंसर आया इसका, वन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।